अस्सलाम वालेकुम क्रिप्टो लवर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोर का कस्टम नेटवर्क टोकन मेटामास्क वॉलेट के एक्सटेंशन में ऐड करोगे और कैसे आपने ओएक्स का टोकन इंपोर्ट करोगे मेटामास्क वॉलेट के अंदर। आप लोगों ने अभी तक सोशी कोर माइनिंग ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो आपने इस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देना है, तो आपको सारी वीडियोज़ के लिंक और ज्वाइनिंग लिंक आपको सारे नीचे मिल जाएंगे। तो सब कुछ आपने गौर से देख के समझ लेना है। और यहाँ पर सिर्फ आपने 24 घंटे के अंदर 2 दफ़ा क्लेम करना होता है, और गिफ्ट कार्ड हैश कार्ड वो भी सारे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ऐड प्रोजेक्ट पर जाकर यहाँ पर हर महीने अभी एक नेक्स्ट एयर ड्रॉप आने वाला है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक और एयर ड्रॉप भी आ चुका होगा। ये लाइफ टाइम फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लोगों ने लास्ट टाइम जो है ना, लोगों ने 2-2, 3-3 लाख रुपया बनाया था बगैर कोई टीम बनाए, तो इस टाइम भी अच्छी उम्मीद की जा सकती है इससे। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है इसका विड्रॉल भी हो चुका होगा, लेकिन अगर आपने न्यू है तो आपने वीडियो को देख के समझ लेना है कि कैसे आपने इसका कस्टम नेटवर्क टोकन ऐड करना है और कैसे आपने इसका एड्रेस बाइंड करोगे अपने सतोशी के एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओएक्स अभी ओएक्स कितने होंगे और यहाँ पर क्लेम कैसे करेंगे। ये बस सिंपल प्रोसेस है, ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। और ऐड प्रोजेक्ट में जाओगे तो यहाँ पर जो भी न्यू प्रोजेक्ट आती है ना, ऐड प्रोजेक्ट पे जाओगे वहाँ पर आपको शो हो जाएंगे जो भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा, तो वो भी मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर बता देता हूँ। उसके बाद आप दोस्तों ने करना क्या है, यहाँ पर मी वाले सेक्शन में आ जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोर के टोकन भी मिले होंगे या दूसरे टोकन ओएक्स के। यहाँ पर आप मी वाले सेक्शन में आओगे तो आपको अगर कोर के टोकन नहीं मिले तो ओएक्स के टोकन तो आपको मिले ही होंगे। यहाँ पर आप कलेक्ट करोगे तो आपने कैसे अपना एड्रेस यहाँ पर बाइंड करोगे। अभी ये बाइंडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन बॉन्डिंग का ऑप्शन 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपने कोर और ओएक्स दोनों के आपने कस्टम नेटवर्क टोकन आपने कैसे ऐड करने हैं मेटामास्क वॉलेट के एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग उन्हें कोर पर कलेक्ट करो या ओएक्स पर कलेक्ट करो, दोनों का अभी तक डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांसफ़र अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये 1-2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है कि जैसे ही आपको ऊपर कोर शो हो रहे हैं और नीचे ओएक्स, इन दोनों को एड्रेस आपने बाइंड करना है, तो देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, डिपॉजिट का, विड्रॉल का और ट्रांसफ़र का। अब ये तीनों अवेलेबल नहीं है, और नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा एड्रेस बाइंड का। ठीक है दोस्तों, जो लास्ट टाइम कोर का विड्रॉल जिन्होंने लिया होगा ना उनको सब कुछ याद होगा, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा एड्रेस बाइंड करें। तो आपने एड्रेस कैसे बाइंड करोगे, ये वाला एड्रेस कहाँ से लोगे, अभी देख सकते हैं कि इसका डिपॉजिट भी अवेलेबल नहीं है और विड्रॉल भी अवेलेबल नहीं है और ट्रांसफ़र भी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपने यहाँ पर एड्रेस बाइंड करें, वॉलेट एड्रेस बाइंड, वो आप कैसे ऐड करोगे वो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दूंगा, लेकिन वो एड्रेस यहाँ से कॉपी कहाँ से करोगे ये देख सकते हैं, ये लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक को आपने कॉपी करने के बाद करना क्या है, ये देख सकते हैं ये कोर का कस्टम नेटवर्क और ओएक्स का इंपोर्ट टोकन दोनों के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको इसी एक लिंक के अंदर मिल जाएंगे। अगर ये आप ऐड नहीं करोगे तो विड्रॉल कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने समझ लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखें, ये दो जो कोर है ना, कोर एक ब्लॉकचेन है, लेकिन ओएक्स क्या है, ओएक्स एक कस्टम टोकन है। तो कोर की ब्लॉकचेन पे ओपनएक्स का विड्रॉल होगा। कैसे होगा कि आपने इस लिंक को कॉपी करना है और आपने कीवी ब्राउज़र के अंदर या माइसिस ब्राउज़र के अंदर जहाँ पे भी आपने मेटामास्क वॉलेट की एक्सटेंशन आपने यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन आपको बता दूं, आपने सबसे पहले तो आपने प्राइवेट की प्राइवेट फेरस भी सेफ रखा करो दोस्तों। ठीक है, आप अगर मेटामास्क वॉलेट यूज़ करते हो तो, और वॉलेट आपने वही यूज़ करना है जो आपने सतोशी एप्लीकेशन के विड्रॉल के लिए चूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के वॉलेट भी सेफ कर लेना है सबसे पहले। तो इसको आप जैसे ही कॉपी करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं इथीरियम आपको शो हो रहा है, ऊपर आपको ETH शो हो रहा है और नीचे देख सकते हैं इथीरियम। तो इधर मैंने कोर का कस्टम नेटवर्क ऐड करूँगा और ओएक्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी यहाँ पर, इसमें यहाँ पर मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया, वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जहाँ पर आपकी मेटामास्क वॉलेट की एक्सटेंशन होगी उधर आके आपने पेस्ट कर देना है। जो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आपको यहाँ पर सिर्फ लिंक चाहिए होगा, ठीक है, कोई एड्रेस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपने कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किसका है, ओपन एक्स का, OEX, तो इसको सबसे पहले आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ये देख भी लेना है कि सेम होना चाहिए, कोई और ना हो, तो इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। यहाँ पर ये देखें कॉपी का ऑप्शन है, ये कौन सा है, OEX ओपन एक्स का कस्टम टोकन है। और जो कोर की ब्लॉकचेन आपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर कैसे ऐड करनी है वो आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड कोर टू मेटामास्क, नीचे आप देख सकते हैं ऐड कोर टू मेटामास्क, ये वाला ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये होता है क्या कि ये डायरेक्ट आपके मेटामास्क वॉलेट के अंदर ना जो भी आपकी ऑलरेडी ब्लॉकचेन चल रही होगी उसकी जगह पर ये ऑलरेडी ये एक्टिवेट हो जाएगा। कोर का जो टोकन होगा ना, कोर ब्लॉकचेन,
आप जैसे ही ऐड कोर नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो आपके एक्सटेंशन के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें, ये मेटामास्क वॉलेट के अंदर इसकी नेटवर्क ऐड हो रहा है, कोर का नेटवर्क। अब ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा तो आप देख सकते हैं, पहले कौन सा नेटवर्क था, ब्लास्ट सिपोलिया का, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे था। तो हम इसको स्विच नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं पहले जो भी आपका नेटवर्क होगा वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर स्विच नेटवर्क पे। अभी देखेंगे कोर की ब्लॉकचेन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, मेटामास्क वॉलेट यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि सारे एयरड्रॉप इधर ही आते हैं, तो समझो इधर सारे कस्टम नेटवर्क टोकन और इनके एड्रेस भी सारे सेम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप स्विच नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो वो सक्सेसफुली आपका नेटवर्क चेंज हो चुका है कोर के अंदर, इथीरियम। पहले कौन सा नेटवर्क था, इथीरियम था। तो आपने वापस चले जाना है अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर। जैसे ही आप मेटामास्क वॉलेट के अंदर वापस जाओगे तो आप लोगों से यहाँ पर देख सकती हैं आपका जो कोर का नेटवर्क है वो ऐड हो चुका होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोर का नेटवर्क आपका ऐड हो चुका है ऑटोमेटिकली, किसी किस्म के आपको टोकन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपने डायरेक्ट वेबसाइट के जरिए आपने अपने कोर की ब्लॉकचेन को ऐड कर लेना है। कोर ब्लॉकचेन जैसे ही आप ऐड करोगे उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन शो होगा इंपोर्ट टोकन्स का। आप इंपोर्ट टोकन्स पे जैसे क्लिक करोगे तो आपने ओपन एक्स का जो इंपोर्ट टोकन होगा वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है, वो जो हमने शुरू शुरू में कॉपी किया था। ठीक है, अगर वो आपने कॉपी नहीं किया तो दोबारा आपने कॉपी कर लेना है लिंक पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर देखें टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये ओपन एक्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ था। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपने टैप करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पेस्ट करोगे तो आपने स्क्रीन पर टैप करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोकन है, ये टोकन का सिंबल है और ये टोकन का डेसिमल है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देखें OEX ओपन एक्स का जो टोकन है ये इंपोर्ट कर लेना है। आपके सामने एक कोर की ब्लॉकचेन भी मैंने ऐड कर दी है और OEX का टोकन भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ये वाला जो ऊपर आपको एक एड्रेस शो हो जा रहा है ना, ऊपर आप देख सकते हैं ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। ठीक है, ये आपने तब लगाना है जब वहाँ पर बाइंड एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, बाइंड वॉलेट एड्रेस। यहाँ पर सोशी के एप्लीकेशन में आ जाओगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ओपन एक्स में जाओ या कोर के अंदर, दोनों के अंदर आपने एड्रेस सेम देना है। ठीक है, क्योंकि सबके एड्रेस सेम होते हैं, जो भी आप ब्लॉकचेन यूज़ करते हो ना मेटामास्क वॉलेट के अंदर, तो सबके एड्रेस सेम होते हैं क्योंकि कोर एक ब्लॉकचेन है और ओपन एक्स एक कस्टम टोकन है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, तो वहाँ पर जाके आपने बाइंड एड्रेस पे क्लिक करके अपना एड्रेस बाइंड कर लेना है। आप दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई बाइंड ऑप्शन नहीं आ रहा, विदड्रॉल का ऑप्शन भी अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब ये अवेलेबल हो जाएगा ये आपने लाजमी कर लेना है। अपना कस्टम टोकन, कस्टम नेटवर्क, आपने दोनों कोर की ब्लॉकचेन आपने ऐड कर लेनी है और ओपन एक्स का कस्टम टोकन आपने इम्पोर्ट कर लेना है और यहाँ पर आके एड्रेस पेस्ट कर दोगे जब वो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो के अंदर फुल प्रोसेस समझ आ चुका है कि कैसे आपने कोर की ब्लॉकचेन मेटामास्क वॉलेट के अंदर ऐड करना है, उसके अलावा ओपन एक्स का जो कस्टम टोकन है वो आपने कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे आप एड्रेस बाइंड करोगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं हर एक क्रिप्टो अपडेट बताता रहता हूँ। सतोशी कोर माइनिंग ऐप का विड्रॉल भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप सतोशी कोर माइनिंग ऐप पे वर्क करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप सतोशी कोर के अलावा दूसरी फ्री क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स पर वर्क करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उसकी टॉप बेस्ट फ्री क्रिप्टो माइनिंग ऐप्स के लिंक पूरी प्ले लिस्ट मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा।